कैसे हैं आप लोग? निकल पहली फुर्सत में निकल। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल गॉड कॉमर्स इन्फो में नए फ्रेश और यूनिक कंटेंट के साथ। और आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाले थे, कैसे आप हर एक राउंड में, हर एक मैच में आप विक्ट्री ले सकते हो, आप एमवीपी बन सकते हो, और कैसे आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल के सीएस रैंक में आप बुगिया कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो में एकदम एंड तक देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और एकदम यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर प्लीज चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल बेस्ट है, और इस चैनल का टिप्स एंड ट्रिक्स एकदम ओपी ही होता है। तो अगर उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पाना चाहते हो तो प्लीज हमारे बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और हाँ, लाल वाला सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे है, उसको जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर डिस्कॉर्ड का लिंक उधर से नहीं होता है तो हमने कमेंट पे पिन कर रखा है, उसमें भी जाके आप क्लिक करके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पे बात करने वाले कि कैसे आप हर एक राउंड में एमवीपी बन सकते हो और मैच को बुगिया दिला सकते हो। सबसे पहले वाला जो राउंड होता है उनमें आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, गन्स का यूज करें या फिर ग्रेनेड का यूज करें। तो मैं मेरे हिसाब से प्रेफर करने वाला हूँ कि अगर आप खुद के टीम के साथ खेल रहे हो तो आप इधर ग्रेनेड का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो अगर आप अच्छे ग्रेनेडर होते हो तो आप ग्रेनेड यूज करो, नहीं तो आप इधर डबल यूएसपी या फिर जीए टीम को यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, ज्यादातर बंदे क्या होते हैं कि लो एंड डिवाइस में, यानी कि 2GB RAM 3GB RAM ऐसे फोन्स पे खेलते हैं, तो ऐसे डिवाइस में खेलने के लिए अगर आप M500 से शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादातर बग बॉडी शॉट लगेगा, अगर आप नहीं अच्छा वन टैप मार सकते हो तो। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा इधर आप डबल बीएसपी या फिर G18 यूज कर सकते हो। अगर आप अच्छा ग्रेनेडर होते हो तो, मतलब कि सही वक्त पे, सही जगह पे, सही तरीके से अगर आपको ग्रेनेड करना आता है तो तब भी आप ग्रेनेड यूज करो। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप अच्छा खासा ग्रेनेड करके पूरे के पूरे स्क्वाड को खा सकते हो तो आप हमारे इस वीडियो को ऊपर जो लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो देखो, हर एक मैच में एमवीपी बनना और हर एक राउंड में बुइया करना ये आसान बात नहीं है। अगर आपको हर एक मैच में एमवीपी बनना है, उसको विक्ट्री दिलाना है हर एक राउंड में और उस मैच को बुइया करना है, तो आपको एक अच्छा खासा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। जो उठाया, जो मन में आया, ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको नहीं यूज करना। तो देखो, मैं मेरे हिसाब से, मेरी सलाह मानो तो मैं एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, वो आप विदाउट टॉप अप, यानी कि कोई भी टॉप अप कैरेक्टर नहीं होगा, सारे के सारे आपको गोल्ड कैरेक्टर में मिल जाएगा, यानी कि गोल्ड में इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को मिल जाएगा। तो मेरे लाइनअप के हिसाब से आप इधर क्लू कैरेक्टर के यूज कर सकते हो, या फिर मेन लाइनअप पे आप एल्वारो को यूज कर सकते हो, फिर उसके साथ आप मैक्सिम हायातो को यूज कर सकते हो। तो क्लू में क्या होता है कि जो जो बंदे ग्रेनेड करते हो या फिर फ्लैंक करते हो, तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पिंग करेगा क्लू कैरेक्टर। इससे आप एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हो, उनके ऊपर अच्छा खासा रश कर सकते हो, या फिर आप सर्वाइव करके उन लोगों के ऊपर रश कर सकते हो। और नेक्स्ट जाएगा एल्वारो। एल्वारो का क्या होता है कि इसका ग्रेनेड का डैमेज और डैमेज का जो एरिया होता है वो ज्यादा बढ़ा देता है, मैक्सिम से आप अच्छा खासा बहुत जल्दी मेडिकेट कर सकते हो। और हायातो का क्या है कि जब आप डैमेज खाओगे आप एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर पाओगे। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर सकते हो, ये जैसा गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वैसे ही गोल्ड की तरह ही काम करेगा, यानी कि एकदम झक्कास वाला काम करेगा। तो इसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लाइनअप के साथ आप हर एक मैच में एमवीपी बन सकते हो, विक्ट्री कर सकते हो, राउंड को भी बुया कर सकते हो। और अगर आप फुल स्क्वाड वाले, यानी कि खुद के टीम के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो, फुल डिटेल्स दे चुके हैं। थर्ड जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो होगा कवर टू कवर फाइट। कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उन लोगों को डायरेक्ट रश करना पसंद होता है, लेकिन देखो, डायरेक्ट रश करने से बहुत ज्यादा आपको डीमोटिवेट हो जाओगे, यानी कि इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप ही बहुत जल्दी मर जाओगे। हाँ, शायद से किल पॉइंट आपको आ जाएंगे, लेकिन आप जल्दी से जल्दी मर गए तो उस किल पॉइंट का क्या फायदा। तो देखो, हर वक्त आपको कैसे रश करना है, आपको कवर टू कवर लेके उस एनिमी के पास जाना है, फिर जाके उनके ऊपर फाइट लेना है, या फिर आपको थोड़ी देर कवर लेके उनका वेट करना है, उन लोगों के आने के साथ ही साथ आपको फाइट में इन्वॉल्व होना है। पहले पहले टाइम जाके आप अगर
किल हो जाते हो या फिर नॉक हो जाते हो खुद, तो आप अपने टीम को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा कवर किया, कवर लेने के बाद उधर फाइट हो रहा था मेरे टीममेट्स के साथ, तो मैंने उधर ग्रेनेड कर दिया अच्छा खासा। ग्रेनेड करने के बाद दोनों बंदे साइड से आ रहे थे, उन दोनों को भी मैंने पेल दिया। तो अगर आप ऐसे ही लाइनअप के साथ खेलते हो तो आप हर एक राउंड में एमवीपी भी बन सकते हो। अब जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप फ्लैंक कर सकते हो या फिर फ्लैंक आपको क्यों करना चाहिए। किसी किसी राउंड में होता है कि हर एक टीम में एक फ्लैंकर जरूर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि घूम के आने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी यही पैंतरा आजमाना पड़ेगा, आपको भी फ्लैंकर का रोल निभाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको हर एक मैच में एमवीपी बनना है, उस मैच को बुया करना है, तो आपको भी फ्लैंक करना होगा। तो फ्लैंक आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा घूम के जाके जो फ्लैंकर आ रहा है उस फ्लैंकर को हर वक्त मारने की कोशिश करो। इससे आप क्या कर सकते हो, उस राउंड को आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि बुया कर सकते हो, और उस मैच को भी आप बुया कर सकते हो। तो देखो, फ्लैंक करने का जो सबसे पहला पॉइंट होता है, आपका जो कैरेक्टर होता है क्लू कैरेक्टर, उसका एबिलिटी आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि देखो, क्लू कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करने के साथ साथ आपको फ्लैंकर का या फिर उस ओपोनेंट टीम का हर एक मूवमेंट, हर एक पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। इससे आप क्या कर सकते हो, एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो या फिर एनिमी को आपके ऊपर रश करने से आप रोक सकते हो। जैसे कि आप इस पॉइंट में आप देख रहे हो, मैं इधर खड़ा था, मैं देख लिया कि एक फ्लैंकर साइड से आ रहा है, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था। जैसे ही आया मैंने उसको किल पॉइंट से ढाप लिया। ऐसे आप हर एक राउंड में एमवीपी बन सकते हो, हर एक राउंड को विक्ट्री ले सकते हो। इस पॉइंट को मैं बात करने वाला है, वो होगा डिसलोकेट टीम। ऐसे अब हमारा खुद का आईक्यू इंप्रूव करके पूरे के पूरे स्क्वाड को डिसलोकेट, यानी कि पूरे के पूरे टीम को खत्म कर सकते हो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपका जो कैरेक्टर्स एबिलिटी, यानी कि क्लू कैरेक्टर का एबिलिटी है, वो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, फिर भी टीम अभी भी बाकी है, तो इधर आपको अपना खुद का आईक्यू लगाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक परमानेंट कवर, यानी कि जो कवर टूटने ना पाए, उस कवर के पीछे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। फिर आपको एनिमी को लोकेट करना है कि एनिमी किस जगह पे है, उसी जगह पे आपको सही तरीके सटीक मात्रा पे कुक करके ग्रेनेड को थ्रो करना होगा। इससे आप दो दो तीन तीन या फिर पूरा का पूरा चार किल आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो, मैं एक परमानेंट कवर के पीछे था और सामने फाइट हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ग्रेनेड सही तरीके से सही समय पर ग्रेनेड करके उधर दोनों को नॉक कर दिया। फिर उधर पूरा का पूरा स्क्वाड था, मैंने उसके ऊपर रश कर दिया और मेरे टीम में मेरे पीछे पीछे आए। तो रश करने के बाद मैंने पूरा का पूरा टीम एकदम वाइप आउट कर दिया। ऐसे ही अगर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप अपना आईक्यू इंप्रूव करते हो, तो आप भी पूरा का पूरा चार किल या फिर दो तीन किल आप तो निकाल ही सकते हो आसानी से। तो फाइनली करेंगे वीडियो को खत्म। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और जो जो भी टिप्स हमने अभी तक बताया उसी टिप्स को अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर फॉलो करते हो, तो आप भी अच्छा खासा मैच को बुया करके हर एक राउंड में एमवीपी बन सकते हो। और इस ट्रिक को अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और स्पेशली किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने के लिए। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, और इससे ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आते रहेंगे। और अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द पाना चाहते हो तो प्लीज बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और नीचे हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड का लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं मिला तो आप हमारे फर्स्ट कमेंट पे पिन किया हुआ है, उधर भी जाके आप हमारे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को इधर ही खत्म करेंगे, लेट्स बाय एंड सायोनारा। So, अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप क्लास स्क्वाड में अच्छे तरीके से ग्रेनेड करके पूरे के पूरे टीम को वाइप आउट कर सकते हो, तो आप हमारे राइट साइड वाली वीडियो को क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए फॉर हर एक राउंड में एमवीपी बढ़ने के लिए और उस मैच को बुया करने के लिए, तो आप हमारे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो।